नमस्कार, आप देख रहे हैं HBR न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा में लंबी प्रतीक्षा के बाद 150 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया है, जिसमें 200 बेड की सुविधा होगी। देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा में लंबी प्रतीक्षा के बाद बुधवार को 150 करोड़ की लागत से निर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल को 200 बिस्तरों का किए जाने की घोषणा की। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विंध्य में सुपर स्पेशलिटी के शुरू होने से रीवा ही नहीं पूरे विंध्य को आधुनिक उपचार की सुविधा मिलेगी। इस हॉस्पिटल से अब ओपन हार्ट सर्जरी सहित अन्य गंभीर रोगों का उपचार हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए सरकार गंभीर है। प्रतिदिन 30,000 लोगों की कोरोना जांच हो रही है, वह जल्द ही कोरोना की जंग से जीत लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना की इलाज के लिए यदि कोई डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल चिकित्सा स्टाफ संक्रमित होता है तो उसका पूरा उपचार सरकारी खर्चे से होगा। मुख्यमंत्री ने चुनावी पाशा फेंकते हुए कहा कि पिछले 15 सालों से विंध्य के विकास के लिए सरकार ने काफी काम किया है। सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 3 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। जल्द ही 2 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में विंध्य आत्मनिर्भर हुआ है। अब जो कसर अधूरी रह गई उसे आगामी 3 सालों में पूरा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य की जनता के कारण ही वह चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इस अवसर पर वह 399 करोड़ के अन्य कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBR न्यूज। चाहे वो हृदय संबंधित बीमारियां हो चाहे बाकी बीमारियां हो, जिसमें विंध्य की जनता को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो इलाज अब यहाँ संभव होगा। और केवल रीवा को नहीं, विंध्य की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात है, और इस सौगात के लिए मैं रीवा की जनता को समर्पित हम लोग करते हैं और बधाई भी देते हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBR न्यूज।